और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद उदित राज ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की और इस बातचीत में जीत का दावा किया और साथ साथ ये भी कहा कि संविधान बचाने का चुनाव है। उदित राज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और जब आपको उम्मीदवार घोषित किया गया है तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या? मैं आदरणीय खड़गे जी का, जननायक राहुल गांधी जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का और जन सेक्रेटरी इंचार्ज दीपक बाबरिया जी का, प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यह विश्वास प्रकट किया है और मैं अच्छे मार्जिन से जीत करके आऊँगा, लाखों मार्जिन से जीत के आऊँगा। यह जो है सिर्फ पार्टी के झोली में जाएगी। इसी सीट से आप बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं और अब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या तब्दीली होगी सर? देखिए, जो 2014 से 19 तक जो हमने कार्य किया है, शायद देश में बहुत कम लोग कोई काम किए होंगे, वो भी है और इंडिया गठबंधन का लाभ है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का है। और तीसरी बात है कि जनता बहुत परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से बहुत परेशान है, विकास क्षेत्र का नहीं हुआ, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ, मेट्रो की समस्या नरेला तक और बवाना तक है, अभी बनी नहीं जो हमने शुरुआत किया था, तमाम सारी समस्याएं। और प्रदेश कांग्रेस में लंबे समय तक अध्यक्ष रहे जयप्रकाश अग्रवाल आठवीं बार चांदनी चौक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में दावा यह किया है कि वो चांदनी चौक में ही पैदा हुए हैं, चांदनी चौक की जनता उन्हें स्वीकार जरूर करेगी। न्यूज 18 इंडिया पर जेपी अग्रवाल हैं बातचीत करने के लिए। सर सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको, उम्मीदवार आप बनाए गए हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया, चांदनी चौक सीट जहां पहले से भी चुनाव लड़ते रहे, सांसद रहे सीट से, अब किस तरह से परिस्थितियां बदली हैं? सब बात ये, मैं वहां पैदा हुआ हूं जी और मैंने वहां से 7 लोकसभा के चुनाव लड़े हैं अब तक, और मैं वहां का बाशिंदा हूं तो एक एक गली कूचे को जानता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी ने मुझे चुना। सर अगर पिछले चुनावों को आधार माने तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट अगर जोड़ दिए जाएं तब भी बीजेपी से काफी पीछे होगा गठबंधन, कैसे उसको बीट करेंगे उस वोट शेयर को दोनों पार्टीज में? जो आदमी चुनाव लड़ता है और उसके फैसले का इंतजार करता है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं कभी नहीं देखता क्या नतीजा होने वाला है, हमें पार्टी ने चुना है, हमें मेहनत करनी चाहिए, हम बराबर 5 साल लोगों के संपर्क में रहे, अगर इस समय गणित को जोड़ते रहे तो शायद बहुत दिक्कत हो जाए। तो जेपी अग्रवाल को आप सुन रहे थे, जेपी अग्रवाल ने साफ तौर पर यही कहा है कि मैं यहीं पर पला हूं, बढ़ा हूं चांदनी चौक में और जनता पूरा विश्वास है कि मुझे स्वीकार करेगी। लेकिन डिंपल यादव का क्या कुछ कहना है, चुनाव स्तर पर है और ऐसे में डिंपल यादव काफी सक्रिय दिखाई दे रही थी। न्यूज 18 इंडिया ने जब डिंपल यादव से बातचीत की तो क्या कुछ डिंपल यादव की ओर से कहा गया, सुनिए जरा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है समाजवादी पार्टी की लोकप्रिय नेता, स्टार प्रचारक, मैनपुरी से प्रत्याशी डिंपल यादव जी। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमसे बातचीत करने के लिए समय निकाला, लगातार आप प्रचार कर रही हैं मैनपुरी में, क्या लग रहा है मैम? मैं समझती हूँ कि मैनपुरी और इनफैक्ट लाइक पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है और इस बार चुनाव जब रिजल्ट आएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना बढ़िया रिजल्ट आने वाले हैं। मार्जिन जो होने वाला है मैम पिछले बार से ज़्यादा होगा, ये तो जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि मार्जिन बढ़कर ही आएंगे। इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी ने जयवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और सबसे बड़ी बात पुराने समाजवादी भी रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखें? मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार चाह रही है कि प्रशासन और शासन के बल से चुनाव में ये लोग गड़बड़ी कराएं, लेकिन समाजवादी लोग तैयार हैं कि भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग जीत के आने वाले हैं। मैम जिस तरीके से बीजेपी का संकल्प पत्र आया उसमें उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे ही हमारी सरकार आती है, इसको किस तरीके? हम तो चाह रहे हैं आप 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दें, आपने लास्ट 10 साल में कहा, डंका बजाया कि नौकरी देंगे, कि आय दुगनी होगी, कि महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे और न जाने क्या क्या बातें कही गई कि बाहर से गया हुआ काला धन वापस आप देश में लौटा के लाएंगे। जब आपने पहली बातें पूरी नहीं करी तो कौन आपकी बात पर यकीन करेगा?
और मैं समझती हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड ले भी आएंगे तो इससे आम जनता को क्या फ़र्क पड़ेगा। ज़रूरत अभी इस समय है कि जो उत्तर प्रदेश है, जो युवाओं का प्रदेश है, उनको रोज़गार नौकरी दें और जो संविधान के माध्यम से जो नौकरियां मिलनी चाहिए वो नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जयवीर सिंह ने नॉमिनेशन कर दिया, आप नॉमिनेशन करने जा रही हैं, जिस तरीके से नवमी का पर्व त्यौहार चल रहा है किस तरीके से देख रही हैं? मैं समझती हूँ सभी प्रदेशवासियों को मैं बधाई दूंगी। नवरात्र का उत्सव चल रहा है, त्यौहार चल रहा है और बहुत ऊर्जा का संचार होता है मैं समझती हूँ इन दिनों में पूजा और आराधना करने से माँ दुर्गा जी की, तो मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैम आखिरी सवाल, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स बदले जा रहे हैं, बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है, आप क्या करें? मैं समझती हूँ मजबूती से चुनाव लड़ें सब लोग और बीजेपी हमारे कैंडिडेट्स पे ना हमलावर हो, वो अपने कैंडिडेट्स के ऊपर देखे, अपने कैंडिडेट्स जल्द से जल्द घोषित करें जो अभी तक रुके हुए हैं। 80 में से कितना मैम, कितना कॉन्फिडेंट? थैंक यू सो मच। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की बात कर लेंगे। बड़ी खबर यह आ रही है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की है। राहुल गांधी वायनाड के दौरे पर हैं, वो हेलीकॉप्टर से वायनाड के नीलगिरी इलाके में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। राहुल के हेलीकॉप्टर के लैंड होते ही, जो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनकी तलाशी ली है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है और नीलगिरी की पुलिस की ओर से भी जानकारी ये मिल रही है कि उतरने के बाद उड़न दस्ते के अधिकारियों ने राहुल के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली है। राहुल केरल के वायनाड जा रहे थे, वहां उनका एक रोड शो का और जनसभा का कार्यक्रम है, लेकिन राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेते हुए तमाम अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के ये अधिकारी हैं, ये चुनाव आयोग के अधिकारी हैं जिन्होंने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की है। राहुल गांधी वायनाड के दौरे पर है, वह हेलीकॉप्टर से वायनाड के नीलगिरी इलाके में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस वक्त एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की बात करेंगे। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने दोनों को नवी मुंबई से हिरासत